इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की चाट। इसे बनाने के लिए हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर डालेंगे, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। फिर हाथ की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने हाथों में तेल लगाया है। अब हम टिक्की बनाएंगे। हमने एक टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से सभी टिक्की को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई गरम की है। इसमें हम तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें एक एक करके आलू की टिक्की को रखेंगे और एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। टिक्की जो है वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। टिक्की जो है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। टिक्की को हमने निकाल लिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी टिक्की को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी टिक्की को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसके चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए पहले हम टिक्की को एक प्लेट में रख लेंगे। अब हमने फेंटी हुई दही ली है, इसे हम टिक्की के ऊपर डाल देंगे। फिर हम तीखी हरी चटनी डालेंगे। अब मीठी चटनी डालेंगे। फिर हम इस पे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सेव डालेंगे। और अनार के दाने डाल देंगे। ये हमारी टेस्टी बाजार जैसी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार है। ये चाट खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इस चाट को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।